गुड मॉर्निंग, आइए बेटा आज हमारा जो चैप्टर है नए चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं माय फंडे। चैप्टर का नाम है माय फंडे, चैप्टर नंबर 9। देखिए बेटा, मैंने आपके लिए जो फंडे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा जो डेज होते हैं है ना, वन वीक में कितने डेज होते हैं आप सभी को पता है, हाउ मेनी डेज देयर आर इन अ वीक। तो 7 days, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, that is one last day is Monday, second Tuesday, third Wednesday, fourth Thursday, fifth Friday, sixth Saturday, or seventh is Sunday, Monday first day of the week and Sunday is the last of the week, okay? तो ये जो डेज होते हैं कितने हैं, टोटल डेज कितने हैं बेटा, टोटल डेज है 7। हाउ मेनी डेज, 7, ठीक है, टोटल डेज कितने हैं 7। और ये 7 डेज मिलकर, अलग अलग डेज मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और ये क्या कहलाते हैं, वीक। क्या कहलाते हैं, वीक, WEEK, वीक मींस होता है ग्रुप ऑफ 7 डेज, ग्रुप ऑफ 7 डेज है ना, क्या होता है ग्रुप ऑफ 7 डेज, वीक मींस होता है ग्रुप ऑफ 7 डेज। एक वीक आपने ये भी पढ़ा होगा है ना, WEEK, तो इसकी स्पेलिंग अलग है बेटा और इसकी स्पेलिंग अलग है, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ डेज, डे मतलब दिनों वाला वीक है ना, और ये वीक मींस होता है जो कमजोर, हिंदी में उसको बोलेंगे वीक मींस होता है कमजोर। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना, ये वीक की स्पेलिंग अलग है और इस वीक की स्पेलिंग अलग है, ठीक है। तो वीक मींस होता है सप्ताह, हिंदी में इसको बोलेंगे क्या लिखेंगे, सप्ताह, और सप्ताह का मतलब होता है बेटा, इसको हम इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, सॉरी हिंदी में क्या पढ़ेंगे, सात, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, 7। तो सात इसी से बना है सप्ताह, सात दिनों का समूह क्या कहलाता है, सप्ताह। ऐसे ही ग्रुप ऑफ 7 डेज है ना, क्या कहलाता है, वीक कहलाता है। तो ध्यान रखना, एक वीक में, वन वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, 7-7 दिन होते हैं। कौन कौन से, मंडे मींस होता है सोमवार, ट्यूसडे मींस होता है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा सबसे फर्स्ट डे ऑफ द वीक कौन है, मंडे, सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा बेटा, मंडे। मैं पूछूं सेकंड डे कौन सा है, तो ट्यूसडे, थर्ड डे कौन सा है, तो वेडनेसडे, फोर्थ डे कौन सा है, थर्सडे, फिफ्थ डे कौन सा है, फ्राइडे, और सिक्स डेज कौन सा है, सिक्स नंबर का डे कौन सा है, सैटरडे, और लास्ट डे यानी कि सेवंथ नंबर का डे कौन सा है, संडे। ये सात ही दिन होते हैं, 7 डेज ही एक वीक में होते हैं। हाउ मेनी डेज देयर आर इन अ वीक, तो हम लिखेंगे 7 डेज, कितने डेज, 7, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और संडे के बाद वापस क्या आ जाता है, मंडे। मैंने आपको पहले बताया था कि बेटा साइकिल में चलते हैं, जैसे एक सर्कल रहता है ना, एक सर्कल बनाते हैं, इस सर्कल में सबसे फर्स्ट में हम लिख देते हैं मंडे, टी फॉर ट्यूसडे, डब्ल्यू फॉर वेडनेसडे, टी ए फॉर थर्सडे, ए फॉर फ्राइडे, एस ए मींस सैटरडे और एस यू मींस संडे, ओके, एम ओ एन भी लिख सकते हैं इसको, एम ओ एन मींस मंडे ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ठीक है।
ये हमारे कितने दिन हो गए? 7 days. और 7 days कितने डेज हो गए बेटा? 7 days हो गए. और 7 days का जो साइकिल है वो कैसे चलता है? ऐसे चलता है. साइकिल कैसे चलता है? ऐसे चलता है. साइकिल का पहिया नहीं ऐसे चलता, तो ये साइकिल कैसे चलता है? मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ये एरो का जो सिंबल है, एरो का चिन्ह है, ये आपको दिखा रहा है कि साइकिल की डायरेक्शन है इस तरह. मंडे के बाद में ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ये आपको याद हो जाना चाहिए, लर्न हो जाना चाहिए, है ना? वैसे आपको याद होगा. तो 7 days होते हैं टोटल, ठीक है. अब आप बोलोगे सर संडे के बाद क्या आता है? तो संडे के बाद पूछो, संडे के बाद क्या आता है? मंडे. मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे. अगर मैंने पूछा फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे. सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे. अगर मैंने पूछा बिफोर ऑफ संडे, संडे के पहले क्या आएगा? बिफोर मीन्स, देखो दो वर्ड यूज होंगे, हम दो वर्ड यूज करेंगे. एक तो होता है बिफोर, ठीक है, बिफोर, और एक है आफ्टर, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर मीन्स होता है बेटा पहले. बिफोर का अर्थ होता है पहले, और आफ्टर मीन्स होता है बाद में, ठीक है, बाद में, है ना. बिफोर मीन्स होता है पहले, और आफ्टर मीन्स होता है बाद में. जैसे मैं आपसे बोलूं मंडे के वीक को, मंडे के पहले कौन सा दिन आएगा बेटा? संडे. तो बिफोर ऑफ मंडे, मैं आपसे बोलूंगा बिफोर ऑफ मंडे, बिफोर ऑफ मंडे क्या आएगा? संडे. बिफोर ऑफ संडे सैटरडे, बिफोर ऑफ सैटरडे फ्राइडे, बिफोर ऑफ फ्राइडे थर्सडे, बिफोर ऑफ थर्सडे वेडनेसडे, बिफोर ऑफ वेडनेसडे ट्यूसडे, बिफोर ऑफ ट्यूसडे मंडे, बिफोर ऑफ मंडे संडे. ओके, तो ये बिफोर का यूज कर लिया हमने. अब आफ्टर का यूज करके, बिफोर मैंने बता दी, बिफोर मीन्स पहले, मतलब आपको उल्टा चलना है ना. ये साइकिल इस तरीके से सीधा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है. अब आपको बिफोर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में. जो हमारी क्लॉकवाइज शब्द बेटा देखो, क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, है ना. तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब उल्टा, ठीक है. तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज घड़ी किसी तरीके से चलती है, घड़ी के जो हैंड्स होते हैं वो इसी डायरेक्शन में घूमते हैं. और एंटी, एंटी मतलब होता है उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा का मतलब इस तरीके से. तो बिफोर का मतलब होता है उल्टा, पहले का पूछ रहा है ना. और आफ्टर का, आफ्टर का यूज करके बता दो, ठीक है. आफ्टर मंडे क्या आएगा? कौन सा दिन आएगा आफ्टर मंडे? ट्यूसडे. आफ्टर ट्यूसडे वेडनेसडे. आफ्टर वेडनेसडे थर्सडे. आफ्टर थर्सडे फ्राइडे. आफ्टर फ्राइडे सैटरडे. आफ्टर सैटरडे संडे. और आफ्टर संडे वापस किया जाएगा मंडे, है ना. इस तरीके से चलता रहता है. तो मैंने आपको बिफोर एंड आफ्टर का यूज करके बता दिया. एक सेंटेंस लिख देता हूँ आपके लिए, है ना. तो सबसे पहले लिख देता हूं मैं आफ्टर, आफ्टर क्या लिखे? आफ्टर वेडनेसडे, ना. आफ्टर वेडनेसडे, आफ्टर वेडनेसडे, और मैंने यहां पर डेज लगा दिया और फुल. आफ्टर वेडनेसडे क्या आएगा बेटा? आपको लिखना है आफ्टर वेडनेसडे के बाद में ये वाला दिन आएगा, ये क्या है, कौन सा डेज आएगा? ट्यूसडे आएगा, थर्सडे. आफ्टर मीन्स होता है बाद में, यानी कि वेडनेसडे के बाद में कौन सा दिन आएगा? थर्सडे. तो हम यहां लिखेंगे थर्सडे, थर्सडे, ठीक है. आफ्टर वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है. अब मैं आपसे पूछूं एक और किस्सा लिख देता हूं बिफोर का. बिफोर, बिफोर, अब मैं बिफोर संडे, बिफोर संडे यहां लिखते मैंने बिफोर संडे, और यहां से आपको लिखना है बिफोर संडे कौन सा दिन आएगा. बिफोर संडे, संडे के पहले कौन सा दिन आएगा बेटा? सैटरडे. हम लिखेंगे सैटरडे की स्पेलिंग भी आपको याद होना चाहिए, सैटरडे. ओके, ये बिफोर एंड आफ्टर का यूज मैंने आपको बता दिया. अब आगे चलते हैं, है ना. अब देखो इसके बाद में आफ्टर और बिफोर का यूज बता दिया. अब देखिए, देखते हैं मैं पूछूं आपसे कि एक मिनट मैं पूछ लेता हूं द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. एक क्वेश्चन लिखे मैंने द फर्स्ट
day of the week. The first day of the week क्या रहेगा बेटा बोलो? The first day of the week, first day कौन सा रहेगा? Monday, क्योंकि Monday पहले नंबर पे लिखा हुआ है ना, तो first day कौन सा रहेगा? Monday. तो the first day of the week is Monday. कौन सा डे रहेगा? Monday. The first day of the week is Monday, है ना? Okay. The first day of the week is Monday. ठीक है? अब मैं पूछूं आपसे, the second day of the week is Tuesday. The third day of the week is Wednesday. The fourth day of the week is Thursday. Fifth day of the week Friday. Sixth day of the week Saturday. And seventh day of the week Sunday. ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं, the last day of the week is, the last day of the week is कौन सा रहेगा बेटा? लास्ट में कौन सा डे है? संडे. तो हम यहां लिखेंगे संडे. ओके, ठीक है. ऐसे ही आपसे क्वेश्चन और पूछ करता हूं मैं कि द सेवंथ डे ऑफ द वीक, द सेवेंथ, है ना? हाँ, सेवेंथ से लिखता हूं, द सेवेंथ डे ऑफ द वीक कौन सा दिन रहेगा? सेवेंथ डे. बोलो, सातवां दिन कौन सा रहेगा? संडे. सेवेंथ डे ऑफ द वीक इज संडे. ठीक है, तो लास्ट डे को ही हम सेवेंथ डे बोलेंगे. लास्ट डे को ही हम सेवेंथ डे बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, तो सेवेंथ डे ऑफ द वीक इज संडे. ठीक है, ओके. आज के लिए मतलब इतना ही इस वीडियो में. अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, थैंक यू.